हे हाय, क्या बोलती है आईडी की पब्लिक? मेरा दोस्त हनीफ है ना, हनीफ इंजीनियर हम लोग उसको बोलते हैं, उसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई, पता है क्यों? वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उसको हनीफ इंजीनियर क्यों बोलते हैं ना, उसकी वजह से हुई। एक्चुअली बंदा कॉमर्स पास आउट है, 15th किया हुआ है, फिर हार्डवेयर नेटिंग का 6 महीने का कोर्स करके जॉब लग गया अगले को, और अब वो इंजीनियर कहलाता है। अब वो इंजीनियर कैसे हम लोग बोल रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि उसका शादी हुई ना, तो शादी में है ना उसके नाम के बाजू में इंजीनियर लिखा हुआ था। बंदा कॉमर्स पास आउट और इंजीनियर, और वो बेचारे जो पत्थर तोड़ रहे पीछे सिविल इंजीनियर, वो एक्चुअल इंजीनियर है लेकिन बेगारी का काम कर रहे अगले लोग। तो सोचो, तो हम आईटी में सारे लोग मोस्टली लोग वैसे ही है, इंजीनियर है लेकिन क्या कोई 12वीं पास, कोई 10वीं पास है ना, बराबर बोल रहे हो कि नहीं? कोई कॉमर्स वाले, कोई आर्ट्स वाले, कोई बीए वाले, किसको कुछ जॉब नहीं मिला तो चलो आईटी में चलते। कोई ऐसे ही ऑफेंड मत हो ना, बस ऐसे मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ। तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगने की खुशी किस बात की है? सबको खुशी होगी लाइक, अब हम अभी हमारे दाबिर भाई भी गूगल में लग गए, तो खुशी किस बात की होती मालूम है क्या? पैकेज की नहीं, क्या काम मिलेगा उसकी नहीं, फ्री का खाना मिलेगा, अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, अच्छा लैपटॉप मिलेगा, अच्छा सब चीज़ें मिलेगी, टेक चीज़ें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए मेरे को बहुत खुशी होती है, इसीलिए मेरे को भी है ना ऐसा लगता है यार ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए कि भाई अपने को यहाँ पे सारे फ्री पर्क्स मिले और फ्री पर्क्स से मज़ा भी आता है। तो मैंने ना अपनी कंपनी में जॉब खाली आदमी नहीं करता, उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा है ना एक ना सॉन्ग भी लिखा है, मतलब आप सॉन्ग समझो या रैप समझो या शायरी समझो, जो समझना है समझो। कोशिश करूँगा बोलने की, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, एकदम सड़ेली आवाज़ है मुमरा वालों की, वैसे भी मुमरा वालों में मैक्सिमम लोगों की सड़ेली आवाज़ है, उसमें मैं भी आता हूँ, जितने लोग सड़ेली आवाज़ वाले उसमें मैं भी आता हूँ। तो गाना जो है ये आर्टिकल 15 का, उसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है, तो वो है कहब तो लग जाए धक से कहब तो लग जाए धक से, हाँ हाँ जॉब मैं ढूंढू रे कब से जॉब मैं ढूंढू रे कब से। अभी आगे की जो लाइन है ना वो मैनेजमेंट वालों के लिए, बड़े बड़े लोगन के प्रमोशन हो प्रमोशन, हाँ हाँ बड़े बड़े लोगन के प्रमोशन हो प्रमोशन, इंसेंटिव और ऑन साइट ट्रिप अलग से, इंसेंटिव और ऑन साइट ट्रिप अलग से, हम गरीबन का पगार वैसन का वैसन, 4 साल हुआ नहीं बड़ा कसम से, और इनके वेरिएबल का खाचा अलग से। एक तो पगार नहीं बढ़ती, ऊपर से वेरिएबल में भी खाचा है इनका, बोलो। बड़े बड़े लोगों की BMW और ऑडी, बड़े बड़े लोगों की BMW और ऑडी, हाँ हाँ और फ्यूल अलाउंस अलग से, हाँ और फ्यूल अलाउंस अलग से, हम गरीबन को मिले ट्रांसपोर्ट अलाउंस 800 रुपया, वो भी बड़ा नहीं कसम से, बताओ बताओ। हम गरीब और हम गरीब लोगों को भी खाना मिलता है लेकिन कैंटीन का, हम गरीब खाए कैंटीन का खाना, अब कैसा लगे पूछो ना हमसे, ग्रेवी में कड़क पनीर अलग से, कहब तो लग जाए धक से कहब तो लग जाए धक से, हम तो जॉब ढूंढ रहे कसम से। तो मेरा बोलने का मकसद था कि आदमी जो है ना आजकल जॉब ढूंढता है ना सिर्फ इसी के लिए नहीं कि उसको अच्छी पगार मिले और अच्छा काम मिले, उसको फ्री पर्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दे देते हो, आप सोचो कि किसी को फर्क नहीं पड़ता वो मेडिकल इंश्योरेंस से, और आज आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ किसी के 5 लाख किसी के 10 लाख यूं निकल जाते। तो ये किसी भी HR को या किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट तक भी पहुंचती है ना बात, तो ये सोचो कि बंदों को है ना पर्क्स की वजह से काफ़ी लोग रुकते। अब ये सोचना कि पर्क्स अच्छे रहते हैं ना तो आपको जाने को भी मजा आएगा, भले फ्री का खाना मिले लेकिन अच्छा खाना मिले, अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस मिले तो आदमी टिकता है, एट्रिशन लेवल कम होगा, आपको बता रहा हूँ, मुझे ले लो, अच्छा पैसा देना, अच्छा खाना भी देना, ज़रूर आऊँगा मैं, चलो तो फिर मिलता हूँ।